तो आज तो मैं आपको अपनी फेवरेट कैंडलस्टिक का टाइप है वो बताने वाला हूँ कि आप उसको कैसे ट्रेड करेंगे और कैसे समझ सकते हैं उसकी साइकोलॉजी। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, मिस मत करिएगा। और अभी तक हमने कवर कर लिया है कि कैंडलस्टिक है, कैंडलस्टिक बनती कैसे है। अगर कैंडलस्टिक बनती कैसे है वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे देखिएगा, इसे समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। और यह जो आज का कैंडलस्टिक के टाइप का वीडियो है यह बहुत ही जबरदस्त है। तो आज हम कवर करेंगे दो कैंडलस्टिक, इन्वर्टेड हैमर और हमारी जो शूटिंग स्टार है हम उसे कवर कर लेंगे, और जो हमारी डोजी है डोजी कवर कर लेंगे। ये तीनों मेरी फेवरेट कैंडलस्टिक है और इसका ट्रेड का रिजल्ट भी जबरदस्त होगा। और कल के वीडियो में हम कवर कर लेंगे मोरूबोजू और स्पिनिंग टॉप, हम ये चार कैंडलस्टिक के टाइप है इसे कवर कर लेंगे, जिससे आपको जो ट्रेड करने में प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं होगी। और टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट बनने के लिए कैंडलस्टिक के टाइप का पता लगाना बिल्कुल ही जरूरी है। टाइप और पैटर्न दो डिफरेंट चीज होती है। जब सिंगल कैंडलस्टिक होती है तो वह टाइप में आती है, और जब दो कैंडलस्टिक मिलके बनती है दो से ज़्यादा तो वह कैंडलस्टिक के पैटर्न बनाने लगती है। जैसे हमारी पुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, बुलिश हेरमी, यह सारी कैंडलस्टिक होती है। आप स्क्रीन पर चार कैंडलस्टिक देख सकते हैं, पर आज हम कवर करेंगे हमारी हैमर और शूटिंग स्टार वाली कैंडलस्टिक और हमारी डोजी उसे। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक कैंडलस्टिक जिसका नाम है हैमर। तो हैमर समझने से पहले आप एक चीज समझिएगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टॉक की प्राइस अगर 100 है, अगर वो 100 से 200 हुई, 200 से 300 हुई, 300 से 400 हुई, तो इसमें हो क्या रहा है? यहाँ पे कोई तो लोग हैं जो इसे खरीद रहे हैं, पर वहीं जो दूसरे लोग होंगे वो बेच भी रहे होंगे। जब कोई बेचेगा तभी तो आप खरीदेंगे। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जब प्राइस 100 से 200 गया तो किसी ने बेचा होगा। तो अगर जो आपका करंट प्राइस है, करंट प्राइस का मतलब जहां आपका स्टॉक अभी है, जैसे मान लीजिए आपका स्टॉक अभी 200 पे है, तो 200 के ऊपर के जितने भी लोग होंगे ये सारे बेचने वाले हैं, ये आपके प्राइस बढ़ने में अड़चने लाएंगे। और उन अड़चनों को टेक्निकल एनालिसिस में क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो आपकी करंट प्राइस है अगर उससे ऊपर के जितने भी लेवल होंगे, जैसे 200 के ऊपर 250, 300, 400, ये सारे लेवल क्या हो जाएंगे? स्टॉक के रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो अब आपको दो चीज़ें समझ के चलनी है। तो जो प्राइस बढ़ा रहे हैं वो तो आपकी पार्टी के लोग हैं, वो आपके साथ है, वो स्टॉक को बढ़ाना चाहते हैं। पर जो आपकी ऊपर वाली प्राइस के लोग हैं, जो 300 400 के लेवल वाले लोग हैं, वो इस प्राइस को गिराना चाहते हैं। वो क्या है? वो बेचने वाले लोग हैं, वो आपकी अपोजिट पार्टी हो गई। क्योंकि स्टॉक मार्केट में दो तरीके से काम करता है, पहले आप बेच के भी पैसा कमा सकते हैं और दूसरा आप खरीद के भी पैसा कमा सकते हैं। तो आपके ऊपर वाले लेवल के लोग क्या करना चाहते हैं? वो बेच के कमाना चाहते हैं। तो आपकी प्राइस के ऊपर के जितने भी लेवल होंगे वो सारे रेजिस्टेंस होंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि कभी कभी स्टॉक 100 पर जाता है, कभी कभी आपने ऐसा चार्ट देखा होगा कि वो ऐसा गया और ऐसा गिर गया। क्यों इसलिए ऐसा हुआ? क्योंकि जो आपकी अपोजिट पार्टी वाले लोग थे वो यहाँ पर एक बेच के पैसा कमा रहे थे, तो इसीलिए वो जो स्टॉक था वो इतनी जल्दी गिर गया। तो आप ये समझ गए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो यहाँ कैसे काम करते हैं। तो अब आप हैमर और हैंगिंग मैन दोनों को समझिएगा। ये हैमर और हैंगिंग मैन है, ये कुछ इस टाइप दिखते हैं। दोनों का नाम अलग अलग है, वो भी ट्रेंड के हिसाब से, वो भी हम कवर करेंगे। पहले आप इसकी वर्किंग समझिएगा। तो आपने मेरा कैंडलस्टिक वर्किंग वाला वीडियो देखा होगा इससे पहले, तो आप समझ ही गए होंगे ये हमारी ओपनिंग प्राइस है, ये हमारा लो है, ये हमारा क्लोजिंग है, ये हमारा हाई है, और सेम इसका अपोजिट सेलिंग में भी होता है। तो आप वो वीडियो है उसे भी देख लीजिएगा। तो ये कुछ इस प्रकार है। तो अब आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ से प्राइस बढ़ रही है, तो अब हम समझते हैं कि हैमर और हैंगिंग मैन इतने पावरफुल क्यों है। तो अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं दो कलर दिख रहे होंगे कि रेड कलर और ग्रीन कलर। आप हैं अब हैमर और हैंगिंग मैन के पॉइंट जानिए। तो यहाँ पर जो जो आप इसकी विक देख सकते हैं, ये विक 2.5 टाइम्स होनी चाहिए, ये 2.5 टाइम्स होनी चाहिए बॉडी के। तो आप यहाँ पर बॉडी देख सकते हैं, अगर आपकी बॉडी इतनी बड़ी है तो आपकी जो वीक है वो 2.5 गुना होना चाहिए, और जो अपसाइड वीक है वो भी आपको थोड़ी सी होना चाहिए, मतलब 0.5 टाइम आपकी अपसाइड वीक होना चाहिए जो अपर वीक है, और यह जो लोअर वीक है, लोअर वीक आपकी 2.5 गुना होनी चाहिए और आपकी अपर वीक 0.5 टाइम होना चाहिए, मतलब बॉडी से आधी होने चाहिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है और दूसरी एक रेड कलर की है। दूसरा पॉइंट यह है कि जो हैमर और हैंगिंग मैन है, इसकी कैंडलस्टिक का कलर है वो मैटर नहीं करता। जैसे आप ग्रीन कैंडलस्टिक देखकर यह बोलेंगे कि यह बुलिश कैंडलस्टिक है, और आप रेड कैंडलस्टिक देखकर बोलेंगे कि यह कैंडलस्टिक बेयरिश है। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें कलर मैटर नहीं करता। जो हैमर और हैंगिंग मैन है इसमें कलर मैटर नहीं करता है कि यह रेड कलर की है या ग्रीन कलर की है। तो यह इम्पोर्टेंट कहाँ होती है? तो जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो, वो हम कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक है वो लगातार गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, और यहाँ पे आके एक कैंडलस्टिक बन गई हमारी, क्या थी? ये हैमर बन गई।
तो मैं एग्जाम्पल के लिए दो कलर बना देता हूँ, या तो ये कैंडलस्टिक रेड कलर की होगी या होगी ये ग्रीन कलर की। इन दोनों कैंडलस्टिक में से किसी भी एक कलर की बनी है, यह दोनों नहीं बनी है। तो डाउन ट्रेंड जब मार्केट में था कि प्राइस लगातार गिर रही है और एक हमको हैमर या हैंगिंग मैन मिल गई, तो जैसे ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में था तो हमें एक कैंडलस्टिक मिल गई रेड या ग्रीन कलर की, कोई सी भी एक कैंडलस्टिक हो सकती है, जरूरी नहीं है। तो यह जो कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में बनेगी तो यह एक बुलिश कैंडलस्टिक का साइन होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप इसका एनालिसिस देखेंगे तो मान लीजिए कि यह ओपनिंग प्राइस इसकी 100 हुई, पर लोगों ने इसको ओपन होते से ही लगातार वापस बेचा तो इसको गिराकर लोगों ने 80 पर कर दिया, पर फिर वापस लोगों ने इसको खरीदना चालू करा और इसे लोग 120 पर ले गए, और फिर जब बंद होते होते इसकी प्राइस कितनी हो गई, 110 हो गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत से लोगों ने इसकी प्राइस गिराना चालू करी। डाउन ट्रेंड में आने के बाद भी बहुत से लोगों ने इसकी प्राइस गिराई, फिर भी लोग खरीदने में इतना उत्साह में थे कि उन्होंने 80 से पहले इसको 120 पर ले गए और यह 110 पर आकर बंद हो गई। यह रेड कैंडलस्टिक होगी, इसमें भी सेम चीज ही होगी। मान लीजिए यह 100 पर खुला होगा, इसका 80 का लो होगा, यह 120 पर ओपन हुई होगी, इसका 80 का लो हुआ होगा, और यह जो क्लोज होगी वो 100 पे होगी, और इसकी जो ओपनिंग प्राइस होगी वो 110 पर होगी। पर आप देख सकते हैं कि लोगों ने इसको इतना बेचना चालू करा, फिर भी आखिरी में आते आते इसकी प्राइस क्या हो गई, 100 रुपये हो गई। मतलब यहाँ पे बुलिश स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो अब आप इसका ट्रेड कैसे करेंगे? तो ये आप कैंडलस्टिक का ये जो हाई पॉइंट देख रहे होंगे, आप इस हाई पॉइंट के ब्रेक होने का वेट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने इसकी प्राइस 120 ली, तो जब भी कोई अगली कैंडलस्टिक बने और वो इसके ऊपर ट्रेड करने लगे, 120 से जो उसकी प्राइस 121 हो जाएगी, तो वहाँ पर आप क्या लेंगे, बाइंग का ट्रेड लेंगे, और आप लो पे अपना स्टॉप लॉस रख देंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देंगे। अब स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है? स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये पे किसी स्टॉक को खरीदने का सोचा, पर आपने यह भी सोचा कि मेरा लॉस लिमिटेड हो, तो मैं एक 90 पे जैसे ही स्टॉक आए वो अपने आप बिक जाए। तो जो आपका बेचने वाला ऑर्डर हो, जो आपका लॉस है, लॉस को प्रोटेक्ट करता है, उसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं, आप नाम से ही समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लेंगे और उससे आपको बहुत ही बुलिश ट्रेंड मिलेगा। तो जब यह डाउन ट्रेंड में यह कैंडलस्टिक बनेगी तो इसका नाम क्या होता है, हैमर होता है, और इसका ही अपोजिट अप ट्रेंड में होगा। अब मान लीजिए कि जो स्टॉक था वो लगातार बढ़ते गया और यही सेम कैंडलस्टिक आपको टॉप पर मिली, यहाँ पे या तो यह ग्रीन कलर की हो सकती है या तो यह सेम रेड कलर की हो सकती है, तो इस कैंडलस्टिक का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हैंगिंग मैन। सिर्फ नाम ट्रेंड के हिसाब से चेंज होगा। डाउन ट्रेंड में हमने उसको क्या बोला था, हैमर बोला था, और यह कैंडलस्टिक अप ट्रेंड में भी बन सकती है, प्राइस बढ़ रही हो। अब अगर यह कैंडलस्टिक अप ट्रेंड में बनती है तो आप इसको अवॉइड करिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, हैमर और हैंगिंग मैन क्या है, एक बुलिश कैंडलस्टिक है। तो अगर ये अप ट्रेंड में बन रही है तो इसको आप कैसे ट्रेड करेंगे? अगर ये अप ट्रेंड में बन रही है तो आप इसका फिर से हाई मार्क करेंगे। अगर इसका हाई फिर से अगर कोई ब्रेक कर देती है अगली कैंडलस्टिक, तो क्या होगा, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। मतलब अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और हैंगिंग मैन बन रही है और उसके उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो वो ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होगा। यहाँ से आप ये मत करिएगा कि इसका लो है, अगर लो किसी ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ से आपने सेल का ट्रेड ले लिया, नहीं। हैमर और हैंगिंग मैन में सिर्फ क्या लेते हैं, हम बाइंग के ट्रेड लेते हैं, इसलिए पावरफुल होगा। चार्ट में आपको समझाता हूँ, आप क्लियरली समझ जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे आपको क्या मिला, डाउन ट्रेंड में था तो हमको क्या मिला, हैमर मिला, क्योंकि ये हथौड़े की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम हैमर है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, इसका हाई ब्रेक हो तो यहाँ आप बाय कर लीजिएगा, और सेम कैंडलस्टिक का यहां पर आप क्या रख सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि अगर स्टॉक इसके नीचे चले जाए तो ये जो हैमर बना था आपका, ये हैमर फेल हो गया है और यहां से आपको स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, तो यह रीजन होता है। तो आप यहां से देखते जबरदस्त बाइंग का ट्रेड। अब आपको एक और चीज क्या बताई थी, वो भी यही मिल गई। अब आप देख सकते हैं इसका कलर था, या तो रेड कलर का भी होता, कलर मैटर नहीं करता। अब आपको अप ट्रेंड में एक और चीज मैंने आपको क्या बताई थी, अगर ये अप ट्रेंड में मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, हैंगिंग मैन। तो यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं, ये क्या रेड कलर है, पर हैमर और हैंगिंग मैन का कलर मैटर नहीं करता। इसमें क्या एक चीज मैटर करेगी, जैसे ही इस कैंडलस्टिक का हाई ब्रेक होगा तो यह एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन है, मतलब स्टॉक वापस अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, स्टॉक अप ट्रेंड में ही रहा। यह कैंडलस्टिक इतनी पावरफुल है इसीलिए यह मेरी फेवरेट है, ऐसे ही मेरी फेवरेट नहीं है ये, और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जैसे मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसके तो आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे एक रेड कलर का भी देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक क्लियरली डाउन ट्रेंड में था। अब आपको वेट करना था कि आपको एक हैमर मिले, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको एक हैमर मिला। अगर मैं आपको यह जूम करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी अपर शेडो है, अपर शेडो भी दिख रही होगी कि क्लियरली यहाँ पे एक अपर शेडो भी है, और इसका कलर क्या है, रेड है। तो अब आपको मैंने क्या बताया था, इसका कलर तो कुछ मैटर नहीं करेगा,
बस आपको एक ही चीज़ देखनी है कि इसका हाई कोई कैंडलस्टिक अगर ब्रेक करे तो वहां से तो आप क्या लेंगे, बाय की एंट्री। पर अगर मान लीजिए इसका हाई इस कैंडलस्टिक ने ब्रेक कर दिया था तो आप यहां से क्या ले लेते, बाय की एंट्री। और यहाँ पे आप क्या रख देते, अपना स्टॉप लॉस, और आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। पर इसका भी अपोजिट भी हो सकता था। अब मान लीजिए ये एक आपका हैमर बना, पर हैमर बनने के बाद जो अगली कैंडल स्टिक थी वो कुछ इस प्रकार बन गई, और जो इस हैमर है इस हैमर का लो ब्रेक कर दिया, तो यह आपका जो हैमर पैटर्न है यह फेल हो जाएगा। यह एक बुलिश पैटर्न है, आप इसे बियरिश की तरह ट्रेड करेंगे तो वहाँ आपको लॉस होगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लेने थे, बाय के ट्रेड लेने थे। अब अगली कैंडल स्टिक क्या है हमारा, शूटिंग स्टार, और जो उसका अपोजिट नाम है वो क्या है, इन्वर्टेड हैमर। जो हमारा हैमर था उसका ही अपोजिट हो गया, इन्वर्टेड हैमर। ट्रेंड से दोनों नाम चेंज हो जाते हैं, बाकी कैंडलस्टिक तो सेम ही रहेगी, वो भी हम समझते हैं। अब ये जो कैंडलस्टिक है यह हमारी एक बियरिश कैंडलस्टिक है, और इस कैंडलस्टिक की भी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे कलर है, कलर मैटर नहीं करेगा। तो अब आप यहाँ पर भी जो रूल है वो सेम अपोजिट वाली कैंडल के ही रहेंगे। यहाँ पे आपकी जो अपसाइड वाली विक चाहिए वो आपको क्या चाहिए, वो 2.5 टाइम्स चाहिए। किसके कंपैरिजन में, उसके बॉडी के कंपैरिजन में। इसकी जो बॉडी है, बॉडी से इसकी जो अपसाइड की वीक है ये बॉडी से 2.5 टाइम्स होनी चाहिए, और ये जो आपकी लोअर साइड की वीक है ये 0.5 टाइम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0.5 टाइम से बॉडी से ज़्यादा है तो ये हैमर में कंसिडर नहीं होगा, ये स्पिनिंग टॉप में आ जाएगा, जिसे हम कल कवर करेंगे। और अब इस कैंडलस्टिक का इंपोर्टेंस कहाँ रहेगा, ये कैंडलस्टिक एक बियरिश कैंडलस्टिक है। क्यों बियरिश कैंडलस्टिक है, लॉजिक से समझते हैं, कलर यहाँ पर भी मैटर नहीं करेगा। तो मान लीजिए ये अगर ग्रीन कैंडल है तो इसकी ओपनिंग हो जाएगी, ये इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, ये हाई होगा ये लो होगा, सेम अपोजिट रेड में भी आप समझ ही गए होंगे अब तक। तो अब चलिए हम प्राइस से समझते हैं। मान लीजिए ये 100 पे खुली है ना, और इसका लो था वो 90 पे गया, पर अब लोग क्या हो गए, लोग बुलिश हो गए, अब लोगों ने इसे खरीदना चालू करा, और लोग खरीदते खरीदते कहाँ ले गए इसको, 120 पे ले गए। पर अब अपोजिट पार्टी भी थी। अब मैंने आपको क्या बताया था, अपोजिट पार्टी वो है जो आपके स्टॉक को अपसाइड है तो अपसाइड मूव करने नहीं देगी। तो अब अपोजिट पार्टी, अगर आप इसको 120 पे ले गए तो अपोजिट पार्टी ने यहाँ से बेचने का प्रेशर चालू करा, और बेचते बेचते लोगों ने इस पे कितने पे क्लोज करा दी, 110 पे। तो आप यह देख सकते हैं कि जो इसकी वीक थी वो कितनी बड़ी बन गई। तो यहाँ आपको सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। तो अब ये जो कैंडलस्टिक है ये आपको ढूंढनी कहाँ है वो भी हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ कलर था, कलर तो मैटर नहीं करेगा। तो अब आपको यह देखनी है अप ट्रेंड में। तो जब आप अप ट्रेंड में इस कैंडलस्टिक को ढूंढेंगे तो यहाँ कलर कुछ भी हो सकता है, या तो ये ग्रीन कलर की हो सकती है, या तो हम इसे एक रेड कलर की भी बना ही लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो आप अगर अभी देख रहे हो। और दूसरा चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हैमर और हैंगिंग मैन है दोनों को चार्ट पर ढूंढेगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप है व्हाट्सएप के ग्रुप पर भेजिएगा। अगर आपकी कुछ भी मिस्टेक होगी तो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसे ट्रेड कर पाएंगे। डायरेक्ट एक या दो नहीं, मुझे करीबन 20 से 30 हर कैंडलस्टिक का स्क्रीनशॉट भेजकर बताइएगा कि यह हैमर है और हैंगिंग मैन है, उससे कैसे ट्रेड करते हैं। तो मैं आपका होमवर्क है व्हाट्सएप के ग्रुप पर चेंज करूंगा, और अगर मिस्टेक होगी तो आपको बताऊंगा। तो अब आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है, तो अगर इस कैंडलस्टिक का लो है तो मैंने क्या बताया, इस कैंडलस्टिक का कलर है मैटर नहीं करता, ग्रीन है या रेड है किसी भी कलर की है, बस बन जाए। और ऊपर की विक जितनी बड़ी होगी कैंडलस्टिक उतना पावरफुल होगी, और जो लोअर विक है लोअर विक थोड़ी छोटी होनी चाहिए, समझ गए, बॉडी का कलर तो मैटर नहीं करेगा। तो अब आपको यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इसका लो था वो 100 रुपये का था, अगर कोई भी कैंडलस्टिक इसके नीचे बन जाती है और वो 99 रुपये पर ट्रेड करने लगती है, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या रखेंगे, अपना हाई पर, आपके अगर ये अप ट्रेंड में कैंडलस्टिक बन रही है तो आप हाई के हाई पर रखेंगे स्टॉप लॉस, और जब ये अप ट्रेंड में बन रही है तो आप इसको क्या बोलेंगे, शूटिंग स्टार, इसका नाम हो जाएगा शूटिंग स्टार इस कैंडलस्टिक का। तो अगर ये कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में बन रही है तो इसका नाम हो जाएगा इन्वर्टेड हैमर। तो नाम है वो ट्रेंड की वजह से चेंज हो रहा है, बाकी जो कैंडलस्टिक की प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी। पर अब आपको डाउन ट्रेंड में एक चीज़ समझना जरूरी है, अगर डाउन ट्रेंड में इसका हाई ब्रेक हो जाए तो यहाँ बाय मत कर लीजिएगा। अगर डाउन ट्रेंड में इस कैंडलस्टिक का लो है, लो ब्रेक होगा, तो ये किसका साइन होगा कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड और ज़्यादा कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ आप इसको अप ट्रेंड में ही बाय करेंगे। अगर ये आपको डाउन ट्रेंड में मिल रही होगी तो आपको वो ट्रेड है, ट्रेड अवॉइड करने पड़ेंगे। डाउन ट्रेंड के लिए तो मैंने आपको बताया था वो जो ट्रेंड को चेंज करती है उसका नाम था हमारा हैमर, और ये जो दोनों कैंडलस्टिक है ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक है, और इतनी पावरफुल कैंडलस्टिक है इसीलिए प्रॉफिट भी तगड़े देती है। लाइव चार्ट पर ही आपको दिखा रहा हूँ। अब चलिए हम इन दोनों कैंडलस्टिक को भी लाइव चार्ट पर समझते हैं। तो अब हमें क्या देखना है,
अब ट्रेन में देखना है, अगर ये डाउन ट्रेंड में मिल रही है तो डाउन ट्रेंड में तो यह ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। चलिए यही मिल गई, ज़्यादा दूर जाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं बस अभी स्क्रॉल करा और ये मिल गई। इसलिए मुझे हैमर और शूटिंग स्टार एक पसंद है, ये पावरफुल ट्रेड देती है और बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तब आपको पता लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टी है वो फेस होगी। मैंने तो बहुत बार होमवर्क कर रखा है, मेरे सर थे अभिजीत चौधरी सर, उन्होंने CFA पास कर रखा है, वो तो मुझे 100-100 स्क्रीनशॉट भिजवाते। अब ये क्या था, अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में आपको क्या ढूंढनी है, ये हमारा क्या हो गया शूटिंग स्टार। आपको क्या बताया था, कलर कुछ भी हो, ग्रीन हो या रेड हो मैटर नहीं करेगा, ये आपको मिला। अब आपको क्या देखना था, इसका जो लो है, इसका लो अगली कैंडलस्टिक ब्रेक करेगी तो यहाँ से आप कर सकते हैं सेल, और यहाँ आप रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, और यहाँ से आप देखते हैं तगड़ा प्रॉफिट हो गया, तगड़ा प्रॉफिट। और अब यहाँ आप एक और चीज़ समझिएगा, अब मान लीजिए आपको यह मिला तो यहाँ पे लो ब्रेक हुआ था, पर इसका अपोजिट भी हो सकता था। मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडलस्टिक बनी और जो अगली कैंडलस्टिक थी वो ग्रीन कलर की बन जाती और जो इसका हाई है हाई को ब्रेक कर देती, तो अगर कोई भी कैंडलस्टिक इसका हाई ब्रेक कर देगी तो वहां पे आपको उस कैंडलस्टिक को अवॉइड करना है। तो आपको यह जो पैटर्न है इसको अवॉइड करना है, क्योंकि यह पैटर्न है, यह पैटर्न फेल हो गया। अगर अगर आपका शूटिंग स्टार बन रहा है तो उसका लो अगली कैंडल को ब्रेक करना चाहिए, अगर हाई ब्रेक कर रही है तो वो पैटर्न फेल हो गया है। जब लो ब्रेक करेगी तभी आप ट्रेड करेंगे, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है और अगर फिर ये वापस से नीचे आके इसका लो ब्रेक करती है तो वहां आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगली जो आपकी नेक्स्ट कैंडल ही है वही उसका लो ब्रेक करना चाहिए, समझ गए होंगे आप। जैसा आप एक यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक अप ट्रेंड में था, उसके बाद थोड़ा साइडवेज में गया, यहाँ से इतना डाउन ट्रेंड तो हुआ नहीं। आप करंट प्राइस से देख सकते हैं ये वाली प्राइस बहुत ही ऊपर थी, तो हम इसे अप ट्रेंड कंसिडर कर सकते थे। और यहाँ पे आपको एक हैमर मिला, देख सकते हैं कि जो विक थी वो 2.5 टाइम्स थी बॉडी के, और आपको लोअर विक भी दिख रही होगी। थोड़ा और जूम कर लेते हैं यहाँ पे, अब चलिए आगे और समझते हैं इसको। तो अब आप इसको ट्रेड कैसे करेंगे, क्या बताया था मैंने आपको कि कैंडलस्टिक है, कैंडलस्टिक को इसका लो ब्रेक करना चाहिए, हाई ब्रेक होगा तो वो ट्रेड अवॉइड होगा, पर इसका लो ब्रेक हुआ तो ये हमारा क्या हो गया सक्सेसफुल। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, यहाँ पे आप अपना रखेंगे स्टॉप लॉस, और उसके बाद नीचे से कमाएंगे तगड़ा प्रॉफिट। और वहीं आप एक और देख सकते हैं, अप ट्रेंड में आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ग्रीन कलर का हमें हेमर मिला, तो अब आप इस हैमर को भी समझिए, क्या बताया था मैंने आपको कलर किस लिए मैटर नहीं करता। अप ट्रेंड में भी यह मिला ग्रीन कलर का था, फिर भी हमारे क्या थी क्राइटेरिया कि इसका लो ब्रेक होना चाहिए। इसकी आप शेडो देख सकते हैं, बहुत ही छोटी सी शेडो है, तो यहाँ से भी आप अगर सेल करते इसका लो ब्रेक होने पे, और हाई पे क्या रखते हैं आप अपना SL रखते, तो उसके बाद भी आप अगर इसे अगले दिन कैरी करते, वैसे आप अगले दिन किसी भी ट्रेड को कैरी मत करिएगा, और सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन को देख के एक्साइटेड मत हो जाइएगा, और कल से इन्हें देख के ट्रेड मत करने लगिएगा। बहुत सारे और एडवांस पॉइंट होते हैं, यह कोर्स इतना छोटा नहीं है, अभी तो 1 महीने चलेगा और डेली 6 बजे वीडियो आएगा, इसलिए वीडियो पूरे देखिएगा। इस एक कैंडलस्टिक को देख के आप एक्साइटेड मत होइएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा और फोटो मुझे व्हाट्सएप पर भेजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद भी आता है तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही और वीडियो बनाने में। तो अब आप अगली कैंडलस्टिक समझ सकते हैं, यह क्या हमारी डोजी है। तो डोजी की 2 बात समझिएगा, सबसे पहले डोजी की जो बॉडी होती है वो ना के बराबर होती है। अगर डोजी में आपको बड़ी बॉडी मिल जाए तो आपको वो डोजी इग्नोर करनी है, क्योंकि वो डोजी नहीं होगी, वो अगली कैंडलस्टिक बन जाएगी जो हम उसे कल कवर करेंगे। तो डोजी में जो बॉडी होती है वो क्या होती है, ना के बराबर होती है। और दूसरा, जो डोजी का कलर है, डोजी का कलर मैटर नहीं करता कि वो रेड कलर की है या ग्रीन कलर की है। और तीसरा, डोजी बताती क्या है, डोजी मार्केट में कंफ्यूजन को बताती है, कंफ्यूजन या इनडिसीजन। तो जब भी मार्केट में डोजी बनती है तो जो मार्केट के लोग हैं, जो बायर और सेलर है, वो कंफ्यूज हैं कि स्टॉक अपसाइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा। तो ये जो डोजी है ये मार्केट में इनडिसीजन बताती है। तो डोजी के अलग अलग नाम है, जैसे ये तो आपकी सिंपल डोजी हो गई, अगर ये डोजी बनती है तो इस डोजी का नाम क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अगर आपकी यह डोजी बन रही है तो इसका नाम क्या है, ग्रेवस्टोन डोजी है। तो अब आप डोजी को ट्रेड कैसे करेंगे, डोजी से हमें पता तो चल गया कि मार्केट में ट्रेंड पता नहीं चलेगा अपसाइड का ट्रेंड है या डाउनसाइड का, क्योंकि मार्केट में कन्फ्यूजन है जब भी डोजी बनेगी। तो अब डोजी को ट्रेड करते भी तो हमें आना चाहिए, तो वो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल डोजी लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। एक पॉइंट समझिएगा, बॉडी जितनी छोटी डोजी उतनी पावरफुल। अब इसका आपको हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है। अब अगर कोई भी एक कैंडलस्टिक अगर इसका हाई ब्रेक कर देती है तो हम यह मान लेंगे कि
स्टॉक अब अपसाइड में ट्रेड करेगा, और अगर कोई भी एक कैंडलस्टिक इसका लो ब्रेक कर देती है तो हम यह मान लेंगे कि जो स्टॉक है अब वो डाउनसाइड में मूव करेगा। तो जो अगली कैंडलस्टिक है वो डिसाइड करेगी कि जो स्टॉक का ट्रेंड है वो क्या होगा, वो भी इसके हाई और लो के बेसिस पे। सेम ग्रेवस्टोन डोजी और वो दोनों डोजी है उनमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर उसका हाई ब्रेक होगा तो आप यह मान लेंगे कि स्टॉक अपसाइड में मूव कर रहा है, और अगर लो ब्रेक होगा तो आप यह मान लेंगे डाउनसाइड में मूव कर रहा है। अब हम डोजी देखते भी तो हैं चार्ट पर कि ये काम कैसे करती है। तो डोजी में मैंने आपको क्या पॉइंट बताया, बॉडी जितनी छोटी डोजी उतनी पावरफुल। तो डोजी भी बहुत ही कॉमन है, जैसे आप ये समझ लीजिए डोजी मैंने आपको क्या बताया था, कलर मैटर नहीं करता और बॉडी बहुत छोटी होनी चाहिए। देख सकते हैं बॉडी बहुत छोटी है और इसका कलर क्या था, रेड था। पर मैंने आपको बताया कि आपको इसका हाई मार्क कर लो, और आप इसका ये हाई हो गया और ये लो हो गया, तो आप दोनों चीज़ें मार्क कर लो। अगर कोई भी कैंडलस्टिक अगर इसका लो ब्रेक कर दे, जैसे यहाँ लो ब्रेक हो गया, तो आप यहाँ क्या कर लोगे, यह मान लोगे कि स्टॉक सेलिंग में है तो यहाँ से आप सेल करोगे। और अगर कोई कैंडलस्टिक गलती से अगर ग्रीन बन जाती और इसका हाई ब्रेक कर देती तो यहाँ से आप क्या मान लेते कि जो स्टॉक है वो अपसाइड मूव कर गया। और जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस मानिए, स्टॉप लॉस आप डोजी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, अगर आप सेल का ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अपना एसएल रखेंगे। डोजी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बनती है, इसलिए आप डोजी को बार बार ट्रेड मत करिएगा। आप स्पिनिंग टो और हैमर है जो मैंने आपको सिखाया उसे देखिएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने इसका हाई मार्क करा होता तो पहले आप देख सकते हैं कि इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ से आप क्या कर लेते, बाई का ट्रेड ले लेते। आप यह मान लेते कि स्टॉक अपसाइड मूव करेगा और आप यहाँ पे अपना क्या रख देते, स्टॉप लॉस। पर आप देख सकते हैं कि इसने इसका हाई ब्रेक करा और फिर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में मूव कर गया। मतलब क्या हुआ, ये जो डोजी थी डोजी फेल हो गई, स्टॉक को अपसाइड मूव करना था पर वो करा नहीं, उसने इसका लो ब्रेक कर दिया। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इस ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ हटा देंगे। तब आप समझ गए होंगे कि डोजी और हैमर और इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और मुझे व्हाट्सअप का ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर स्क्रीनशॉट भेजिएगा। अगर आपकी मिस्टेक होगी तो मैं बताऊंगा, और कल भी वीडियो में 6 बजे ही डालूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।